है तो कोटा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और इन पद के लिए 25 जनता सदस्यों ने मतदान किया था। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी समर्थित प्रत्याशी मनोहर राज की जीत हुई, उन्हें 17 मत मिले तो वहीं कांग्रेस के धन सिंह पैकरा को 8 मत मिले। भाजपा का एक वोट कॉस हो गया तो वहीं बीजेपी समर्थित सुमंत जायसवाल उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए। जो लोग हमारे जो जनपद पंचायत क्षेत्र के जितने भी ग्राम अंचल से जो हमारा मतदाता है या कोई भी हो, हम उनका जो सहयोग और इसमें जो दिए हैं उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। कितने वोट से आप नवनिर्वाचित हुए हैं? अब अपने 17 मिला हम वोट पर 25 में क्रॉस वोट गया है। एक क्रॉस वोट हो सकता है, भूल हो गया किसी को कहना। एक क्रॉस वोट किस इसमें केवल दो ही नामांकन दाखिल हुए थे, एक धन सिंह पैगरा का, दूसरा क्या है कि मनोहर सिंह राज का। इसमें मनोहर सिंह राज जो है टोटल 25 वोट पड़ने थे, 2500 वोट पड़े इसमें, उसमें से 17 जो वोट है वो मनोहर सिंह राज को मिला और 8 वोट जो है आपका धन सिंह पैगरा को मिला। इसके आधार पर मैं क्या था मनोहर सिंह राज को विजयी घोषित किया गया है।